हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ दिस ब्राइडल आई मेकअप लुक। सो बहुत ही अप्रोप्रिएट है वेडिंग के लिए। सो यहाँ पे मैं रेड, ब्लैक एंड थोड़ा सा गोल्डन शेड के साथ इस आई मेकअप लुक को क्रिएट की हूँ। सो बहुत ही इजी तरीके से मैं इस वीडियो में दिखाई हूँ कैसे आपको ये क्रिएट करना है। सो इफ़ यू वॉन्ट टू नो हाउ टू क्रिएट दिस लुक, देन वीडियो में बने रहिए एंड तक। एंड यू कैन फॉलो मी ऑन माई सोशल मीडिया। सो हैंडल आपको मिल जाएगा स्क्रीन पे एंड लिंक भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो यू कैन फॉलो मी देयर। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा ताकि आपको हर टाइम नोटिफिकेशन मिले वीडियो अपलोड के साथ। सो लेट गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग आईब्रो को फिल इन कर लेंगे और इसके लिए मैं एनेस्थेसिया का ब्राउ पोमेड यूज़ की हूँ इन द शेड इबोनी। मैं एंगल ब्रश के हेल्प से सबसे पहले लोअर पार्ट को लाइन कर लूँगी। सो मुझे ब्राउ पोमेड बहुत ज़्यादा पसंद होता है ब्राउज को फिलिंग करने के लिए, बिकॉज इट इज़ ईजी एंड बहुत क्विकली क्रिएट कर सकते हैं। और ये शेड बहुत अप्रोप्रिएट है मेरे आईब्रोज के लिए। सो सबसे पहले मैं इसको फिलिंग कर लूँगी और फ्रंट सेक्शन में थोड़ा हल्का फिलिंग करूँगी एंड देन एक्सपूली के हेल्प से अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगी एंड ब्लेंड कर लूंगी। नेक्स्ट मैं कंसीलर के लिए यूज कर रही हूँ NYX का कंसीलर एंड कंसीलर ब्रश के लिए यूज की हूँ प्रो आर्ट का कंसीलर ब्रश। एंड इसके हेल्प से मैं ब्राउज के नीचे में कंसीलर अप्लाई कर लूंगी, इससे क्लीन लगेगा ब्राउज। एंड सेम कंसीलर को मैं पूरे लीड पे भी अप्लाई करूँगी फॉर माई आई मेकअप बेस। सेम कंसीलर से मैं अपर पार्ट को भी क्लीन कर लूँगी ब्राउज के। एंड इसके बाद थोड़ा सा आई लीड को सेट कर लूँगी बिकॉज मुझे इसके बाद ट्रांजिशन शेड अप्लाई करना है। नेक्स्ट मैं ब्राउ बोन को हाईलाइट कर लूँगी यूजिंग वेट एंड वाइल्ड मेगा ग्लो हाइलाइटर। नेक्स्ट मैं शार्प एजेस के लिए आउटर कॉर्नर पे एक टेप लगा लूंगी। सो फाइनली मैंने हुडा ब्यूटी रोज गोल्ड पैलेट परचेस कर लिया एंड दिस इज अमेजिंग पैलेट गाइज। सो सबसे पहले मैं लाइट ब्राउन शेड को अप्लाई करूंगी अपने क्रीज पे एज माई ट्रांजिशन शेड। सो इट इज़ वेरी पिगमेंटेड एंड बहुत अच्छे से ब्लेंड होता है। सो इफ़ यू वॉन्ट टू इन्वेस्ट इन ए नाइस पैलेट देन गो फॉर दिस वन, बहुत अच्छा है, आप रिग्रेट नहीं फील करोगे। सो फाइनली मैं इसको परचेस कर ली। ये थोड़ा सा कॉस्टली है सो मुझे थोड़ा टाइम लेना पड़ा बिकॉज यू नो इट्स ए इन्वेस्टमेंट। सो एनी वे मैं सबसे पहले क्रीज पर अप्लाई कर लूँगी। नेक्स्ट मैं ब्लैक शेड को अप्लाई करूँगी अपने आउटर वी पे विंग के शेप में। धीरे धीरे मैं इसको प्लेस करूंगी एंड ब्लेंड करते रहूंगी। इसको मैं बहुत ज्यादा क्रीज पे अप्लाई नहीं कर रही हूँ, ओनली आउटर वी के तरफ मैं इंटेंसिफाई कर रही हूँ। सो ब्लैक शेड का भी फॉर्मूला बहुत अच्छा है, कोई फॉल आउट नहीं है, आप देख सकते हो। एंड नेक्स्ट मैं सेम राउंड शेड के साथ फिर से ब्लेंड कर लूंगी ब्लैक शेड को। इसके बाद कंसीलर अप्लाई करूंगी कट क्रीज ड्रॉ करने के लिए। सेम कंसीलर को मैंने यहाँ पे यूज किया है NYX का। एंड सबसे पहले मैं इसको आउटलाइन कर लूंगी एंड देन पूरे लीड पे कंसीलर अप्लाई कर लूंगी। फाइनली मैं नायका के हॉट पिंक सेल में ये पैलेट परचेस कर लिया, काफी अच्छा डिस्काउंट मिला था, दैट्स व्हाई मैंने परचेस कर लिया एट लास्ट। नेक्स्ट मैं थोड़ा सा ब्लेंड कर लूँगी कंसीलर के एजेस को, पहले ब्राउन शेड के साथ एंड देन ब्लैक शेड के साथ। नेक्स्ट मैं रेड शेड अप्लाई करूँगी सेम पैलेट में से, ये पिंक अंडरटोन रेड शेड है। सो ये भी बहुत अच्छा शेड है एंड वेरी पिगमेंटेड। सो इसको मैं अप्लाई करूँ एक फ्लैट ब्रश के हेल्प से एंड ये पूना स्टोर का ब्रश सेट है। सो 24 का सेट था, उसी में से एक ब्रश है। इसको मैं ब्लैक
एंड कंसीलर के एजेस के बीच में अप्लाई करूंगी. सो इनर कॉर्नर को मैं नहीं अप्लाई कर रही हूँ अभी कुछ भी. इसके बाद मैं ब्लैक शेड को फिर से आउटर वी पे इंटेंसिफाई कर रही हूँ बिकॉज फेड हो गया था. एंड देन मैं सिग्मा का पेंसिल ब्रश के हेल्प से लाइट गोल्डन शेड को अप्लाई करूंगी. ये शिमरी शेड है और बहुत अच्छा फॉर्मूला का शेड है. सो इसको मैं इनर कॉर्नर की तरफ अप्लाई करूंगी. एंड नेक्स्ट मैं पिंक शिमरी शेड को अप्लाई करूंगी गोल्डन एंड रेड शेड के बीच में. सो ये भी काइंड ऑफ ट्रांजिशन क्रिएट करेगा दोनों शेड के बीच में, फ्रॉम लाइटर टू डीपर शेड. नेक्स्ट मैं जेल आईलाइनर अप्लाई कर रही हूँ मेबलिन का. सो मुझे ये जेल आईलाइनर बहुत अच्छा लगता है. सो दैट्स वाई मैं हमेशा यही अप्लाई करना पसंद करती हूँ. सो इसको मैं एंगल ब्रश के हेल्प से अप्लाई कर लूँगी और एक विंग्ड आईलाइनर क्रिएट करूँगी. सो टेप लगाने की वजह से बहुत सिंपल है लाइनर लगाना. सो आपको जस्ट फॉलो करना है आपके लैश लाइन के क्लोज क्लोज एंड दैट्स इट. एंड शार्प एजेस आपको इजीली मिल जाता है टेप लगाने से. सो ज़्यादा कुछ करना नहीं है, जस्ट लैश लाइन के क्लोज क्लोज आपको लाइनर ड्रॉ कर लेना है. एंड इसके बाद मैं थोड़ा सा पॉइंटेड इनर कॉर्नर क्रिएट करूंगी सेम जेल आईलाइनर के हेल्प से. बहुत ज़्यादा मैं पॉइंटेड नहीं की हूँ, बहुत थोड़ा सा ही क्रिएट की हूँ, बट इट इज़ लुकिंग गुड. नेक्स्ट मैं थोड़ा सा कंसीलर अप्लाई करूंगी लोअर लैशेस पे बिकॉज मैंने कोई कंसीलर अप्लाई नहीं किया था. इसके बाद मैं जेल आईलाइनर को वाटर लाइन पे भी अप्लाई करूंगी बहुत हल्का सा. नेक्स्ट मैं ब्लैक आई शेडो को अप्लाई कर रही हूँ जस्ट आउटर वी टू मिड आईलिड तक. थोड़ा सा स्मोकीनेस क्रिएट करूंगी लोअर लैशेस पे. एंड नेक्स्ट मैं सेम जेल आईलाइनर को और थोड़ा सा इंटेंसिफाई करूंगी वाटर लाइन पे. इसके बाद मैं लाइट गोल्डन शेड को अप्लाई करूंगी इनर कॉर्नर की तरफ, लोअर इनर कॉर्नर. नेक्स्ट मैं मस्कारा अप्लाई करूँ. सो ये भी मेरा न्यू परचेस है, दिस इज बेनिफिट रोलर लैश मस्कारा. सो ये भी बहुत ज़्यादा यू नो प्राइसी प्रोडक्ट है बट फाइनली आई हैव परचेस्ड इट. सो नाइका का हॉट सेल पिंक पे मैं क्या क्या परचेस की हूँ उसका भी हॉल आने वाला है बहुत जल्दी. नेक्स्ट मैं थोड़ा सा इनर कॉर्नर एंड ब्राउ बोन को हाईलाइट कर लूंगी विथ वेट एंड वाइल्ड मेगा ग्लो हाईलाइटर. दिस इज अ नाइस हाईलाइटर एंड दिस इज द फाइनल लुक गाइस. मैं पैक का M73 लैशेस अप्लाई किया है. आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये आई मेकअप लुक. सो वीडियो पसंद आए और हेल्पफुल हो तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड सब्सक्राइब कर लेना, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी हिट कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे जब भी वीडियो अपलोड हो. मैं आपसे फिर से मिलूंगी न्यू वीडियो के साथ. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.